हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, ये देखिए कितना प्लेजेंट वेदर है और काफ़ी हवा चल रही है। ये देखिए किस तरह से प्लांट्स हवा के साथ झूम रहे हैं। ये फ्लावर्स बहुत हवा चल रही है और क्लाउडी वेदर है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक परमानेंट प्लांट के बारे में जो कि बहुत ही हार्डी और कॉमन प्लांट है। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल प्लांट का नेम है मदर ऑफ थाउजेंड। इसके लीव्स देखिए, और लीव्स के ऊपर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो है वो अराइज हो रहे हैं। ये देखिए लीव्स के ऊपर, और यहाँ पे भी देखिए। और इस पौधे का नाम मदर ऑफ थाउजेंड इसीलिए है कि ये मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत ही फास्ट होता है, और इसी के कारण इसका नेम जो है मदर ऑफ थाउजेंड पड़ा है। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, और गाइस सकुलेंट प्लांट्स जो हमारे होते हैं उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और उनके लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। जैसे ये देखिए, आप देख थिक लीव्स हैं और इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अपने अंदर ये पानी जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और काफ़ी दिन अगर इनको पानी ना भी मिले तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और ये सेरेमिक पॉट्स में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने इसे एक सेरेमिक पॉट में लगाया हुआ है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सेरेमिक पॉट है। और सेरेमिक पॉट्स में ये सकुलेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गाइस, ये जो हार्डी टाइप के सकुलेंट्स हैं, कुछ सकुलेंट्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा केयर मांगते हैं, और उनको स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल, स्पेशल अटेंशन चाहिए। लेकिन इस तरह के जो सकुलेंट्स होते हैं ये थोड़े हार्डी टाइप के हैं, इन्हें आप नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हो। मैंने भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाया हुआ है, लेकिन इसका वाटर का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जितने भी हमारे सकुलेंट्स होते हैं उनके थिक लीव्स होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और इन्हें आप वाटर जो है इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालें। एक्सेस ऑफ वाटर में लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट, तो पानी का आपको ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपके पास इस तरह के ब्यूटीफुल जो सकुलेंट्स नहीं हैं आपके गार्डन में, तो अपने गार्डन में ज़रूर इन्हें ऐड करें। ये बहुत ही खूबसूरत है। और अभी इस प्लांटर में मैंने ये सिंगल छोटा सा प्लांट लगाया था, और इसमें भी काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और अगर आप चाहें तो इस लीव को यहाँ से रिमूव करके सिंपली आप ग्राउंड में छोड़ दोगे, तो उसमें से भी ये जितने भी जो बेबी प्लांट्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे अपवर्ड, और न्यू प्लांट्स जो है वो आप ले सकते हो। अगर बात करें इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो इस तरह के जो मदर ऑफ थाउजेंड है, इस तरह के सकुलेंट्स को आप फुल सनशाइन में भी रख सकते हो। कुछ सकुलेंट्स होते हैं जो कि शेड में भी रहते हैं, लेकिन इस तरह के जो सकुलेंट्स हैं इन्हें आप फुल सनशाइन में रखें। तो गाइस, बहुत ही हार्डी परमानेंट ब्यूटीफुल प्लांट है, इन्हें अपने गार्डन में आप जरूर ऐड करें और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएं। अगर कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। आज का ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर मैंने बनाया, कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।